हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमें पता है कि बर्ड्स जो हमारे पास बर्ड्स है, चाहे वो बजीज हो, फिंचर्स हो, जावा हो, कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, जो भी बर्ड्स हैं, उनके बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। बहुत सेंसिटिव बर्ड्स है ये। अगर इनका खाने पीने का हमने खास ख्याल नहीं रखा तो ये बीमार पड़ सकते हैं। वैसे ही हमें एक और चीज़ की ख्याल रखनी चाहिए, वो है इनका जो मेन बहुत सारी बीमारियां होती है, चाहे वो पेट की समस्या हो या फिर जुकाम हो, इन सब के बहुत सारे जो ऐसे छोटी छोटी बीमारियां होती है, इन सब का मेन रीज़न होता है बैक्टीरिया। दोस्तों, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होती है उनके शरीर में या जो डिसीजेस होती है, वो असल में क्यों होती है और इनका कारण क्या है, दोस्तों आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि अगर इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज़ को रोका कैसे जाए और बर्ड्स को इसका ट्रीटमेंट कैसे दिलाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस चीज़ के बारे में और भी पता चल सके। आप जो गलतियाँ शायद करते हो वो अगर आपको नहीं करना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सब दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ जिनके पास अभी बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स पालते हैं या पालना चाहते हैं। दोस्तों, ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बर्ड्स बीमार है और वो उन्हें केयर की ज़रूरत है? जैसे कि आप जानते हैं जो बहुत दिनों से ब्रीडिंग कर रहे हैं बर्ड्स, तो कि बर्ड्स जब चुपचाप कहीं पर बैठ जाते हैं या उनका शरीर फूल कर बैठ रहते हैं आँख बंद करके, कभी कभी जो बजीज जो करते हैं फिर घुमा कर बैठे रहते हैं, तो ये जो चीज़ें ये सिम्टम्स हैं उनके बीमारी की। एक और जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है उनका पूप। कभी कभी लिक्विड पूप करते हैं बर्ड्स और कभी कभी ग्रीन। ये जो पूप का कंडीशन का जो चेंजेस होता है, इनसे पता चलता है कि उनके पेट में किसी तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसकी जो क्योर करना है वो ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया, इसका नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से ही इसका जो जनरली जो सारे बर्ड्स के प्रॉब्लम होते हैं ये इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। दोस्तों, इस बैक्टीरिया कहाँ से आता है या ये स्प्रेड कैसे होता है ये जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है ये वायरस या बैक्टीरिया बाहर से आया हो, नहीं, ये बर्ड्स केज में ही पनपता है और बर्ड्स केज में ही रहने वाले बर्ड्स को अफेक्ट करता है। दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया है इसका पनपने का सबसे बड़ा कारण है अनटाइडीनेस या साफ सुथरा नहीं रहना। अगर आपका केज क्लीन नहीं है तो वहाँ पर अगर बहुत गंदे की है, आपने बहुत दिनों से सफाई नहीं की हो, पूप से बहुत भर चुका है केज, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया पनपना शुरू कर देगा बहुत तेज़ी से। दोस्तों, इसलिए आपको आपके केज को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप आपके केज को साफ नहीं रखेंगे तो ये जो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से स्प्रेड करेगा और आपके एक एक करके सारे बर्ड्स को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। अगर ये सीरियस कंडीशन में पहुंच गया तो आप मेडिसिन इस्तेमाल करके भी आपके बर्ड्स को बचा नहीं पाएंगे, आपके बर्ड्स मर जाएंगे। खासकर बजीज, जावा, ये जो बहुत नाजुक बर्ड्स होते हैं, इन्हें बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है और ये बहुत अफेक्टेड होते हैं इस वायरस, इस बैक्टीरिया से। तो दोस्तों, आपके जो केज है उसे हफ्ते में कम से कम एक बार साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आपको ऐसा करना चाहिए। आप अगर देख रहे कि उनके पेट में अभी आप देख रहे कि उनके पूप्स बदल रहे हैं, पूप्स ग्रीन हो गए या लिक्विड हो रहे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत सीरियस कंडीशन में जा रहा है। आपको उसी दिन अगर हो सके तो पूरा केज साफ़ कर दीजिए और उन्हें पेट ख़राब कर जो दवाई होते हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मैंने कहा है पिछले वीडियोस में भी, और जो मैं मेन जो दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, एक है नॉरमेट्रोजिल या नॉरमेट्रोजिल ओ, इन दोनों में से कोई एक, या फिर नियोपेप्टिन। नियोपेप्टिन बेसिकली डाइजेशन के प्रॉब्लम्स के लिए है। आप अगर सिर्फ इनके इस पेट के इस बैक्टीरिया से मुकाबला करना चाहें तो नॉरमेट्रोजिल बेस्ट है। आप नॉरमेट्रोजिल दवाई 250 ml का जो कम से कम पानी ले उसमें
हर वर्ष के हिसाब से दो ड्रॉप करके आप दे, ऐसे कम से कम 3 दिन आप दे, तो अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन ना हो तो इसमें बर्ड्स ठीक हो जाएंगी। दोस्तों एक और जो बात है, आपको ऐसे ही नज़र रखनी पड़ेगी आपके बर्ड्स के ऊपर कि वो बीमार हो रहे हैं या नहीं, और केज को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करने होगा। लेकिन मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि खासकर बजीज के लिए, बजीज हर 20 मिनट में एक बार पूप करते हैं, तो हाँ बहुत बहुत ज़्यादा पूप करते हैं वो, केज बहुत जल्दी गंदा हो जाता है अगर बहुत सारे बर्ड्स हैं आपके पास। लेकिन क्या करें, अगर आपको बर्ड्स रखना है तो कुछ तो ये काम करना पड़ेगा, आपको केज साफ़ करना पड़ेगा हर हफ्ते, नहीं तो आपके बर्ड्स का ही नुकसान होगा, आपका भी शायद दिल टूट जाएगा अगर आपका बर्ड्स मर जाए समय से पहले। तो हमेशा आपके केज को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग ये कंसिडर ही नहीं करते, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं। दोस्तों आप जब केज के अंदर कभी कभी हम स्टिक लगाते हैं, कोई कुछ लोग झूलने के लिए, बर्ड्स के खेलने के लिए बहुत सारे चीज़ टांग देते हैं जहाँ पर बर्ड्स बैठ सके, बहुत सारे स्टिक लकड़ी ये सब देते हैं, वो जो जहाँ पर बर्ड्स बैठ रही हैं कभी भी उनके डायरेक्ट नीचे पानी का पॉट ना रखे। पानी का पॉट ऐसी जगह पर रखे जहाँ के ऊपर बर्ड्स नहीं बैठ सकते, जहाँ पर थोड़ा क्लीन जगह है वहाँ पर पानी का पॉट रखे, क्योंकि अगर पानी का पॉट ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर जहाँ के ऊपर बर्ड्स बैठे हो तो वो पानी में पूप करेंगे, जिससे उनके शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो पानी अफेक्टेड हो जाएगा, पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए वो पानी बाकी बर्ड्स जब पियेंगे तो उनके शरीर में भी वो बैक्टीरिया चला जाएगा, उनके बाकी बर्ड्स भी अफेक्टेड होंगे, वो भी बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी पानी का पॉट कि ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर बर्ड्स बैठ सकते हैं उसके ऊपर। एक सेम चीज़ आप जो आपके फूड बॉक्स है जहाँ पर आप सीड्स वगैरह देते हो, उन पॉट्स को भी आप ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ के ऊपर बर्ड्स बैठ सकते हो। पानी और खाना दोनों ही ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ के ऊपर कोई स्टैंड ना हो, ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ पर बर्ड्स बैठ सकते हो और नीचे पूप कर सकती हो, क्योंकि अगर पूप खाने में भी गिरा या पानी में गिरा उससे बाकी बर्ड्स भी अफेक्टेड होंगे, बाकी बर्ड्स के शरीर में भी वो बैक्टीरिया चला जाएगा और वो भी बीमार हो जाएंगे। दोस्तों कुछ लोग केज साफ करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि अगर आपके केज के अंदर मटकी है या बर्ड बॉक्स है उन्हें भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। दोस्तों उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे वो भी अगर बाहर से उनका आउटर वॉल जो है वो भी गंदा रहता है, और अगर आपके बर्ड्स अंदर कोई एग्स ले कर चुके हैं या अंदर एग्स है तो आप देखेंगे कि मटकी के अंदर भी बहुत गंदगी होती है, बहुत पूप जमा हो जाती है, तो उन्हें भी साफ़ करना ज़रूरी है। मटके को भी हमें क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बर्ड्स कभी कभी मटकी से अपने जो चोच है वो घिसते हैं, कभी कभी वो ऐसा करते हैं, तो अगर मटकी के वॉल में भी अगर पूप लगा रहेगा तो उससे उन्हें उनके मुंह में जाने की समस्या एक चांसेस रहते हैं, तो मटकी को भी साफ़ रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों आप इन बैक्टीरिया से बचने के लिए केज के अंदर या केज के चारों ओर कोई मेडिसिन स्प्रे करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बर्ड्स केज में ऐसी कोई मेडिसिन हमेशा स्प्रे किया जाए जो बर्ड्स के लिए ख़तरनाक हो जाए। मेडिसिन चाहे अगर हम डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन की बात करें तो वो केमिकल हार्मफुल केमिकल से बनते हैं, तो वो चाहे लोग कुछ भी कहे लेकिन थोड़ा तो हार्मफुल होता ही है वो बर्ड्स के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो कम से कम इस्तेमाल हो या इस्तेमाल ना हो। तो लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप कंसल्ट कीजिए आपके मेडिकल स्टोर में, अगर ऐसी कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ या मैं जो रिकमेंड करता हूँ करने के लिए वो है नीम पत्ता। नीम पत्ता आप पानी में उबाल के वो जो पानी है वो पानी आप बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कीजिए, बर्ड्स के केज में स्प्रे कीजिए, मटकी में स्प्रे कीजिए, हर जगह स्प्रे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, उससे बैक्टीरियाज मर जाएंगे आपके बर्ड्स के शरीर पे, अगर माइट्स हो तो वो भी मर जाएंगे बर्ड्स के। आप कभी कभी देखेंगे बर्ड्स पूरे शरीर को खुजाते रहते हैं अपने चोट से, वो कम हो जाएगा। तो अगर आप नीम पत्ता का पानी दे पाए तो सबसे बढ़िया होता है, और मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो मैं कोई मेडिसिन या दवाई या कोई केमिकल
कंपोनेंट सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नीम पत्ते का पानी, नीम पानी में आप नीम पत्ता डाल के उसे अच्छी तरह से उबाल कर वो जो पानी है वो अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए आपके केज में, आपके मटकी में या बर्ड्स के शरीर पे, तो वो आपको बहुत फ़ायदा दिला सकता है। दोस्तों एक और जो बात है जो कंसिडर करना चाहिए जो बहुत लोग नहीं करते, दोस्तों जो एक फूड होता है ना, आप जानते हैं कि बर्ड्स को एक फूड देना चाहिए, मतलब अंडा, आप उबले हुए अंडे दे सकते हैं या उबले हुए अंडे को आप मैश करके अच्छी तरह से दे सकते हैं, तो इसे हम एक फूड कहते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बर्ड्स के ग्रोथ के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन आप जब एक फूड दे रहे हो उसे आप ज़्यादा टाइम तक वहाँ नहीं रख सकते। आप मान लीजिए आज आपने एक फूड दिया है, कुछ लोग करते हैं दो दिन तक अंदर रहने देते हैं कि हाँ बर्ड्स धीरे धीरे खाएंगे, क्योंकि एक ही बार में तो सारे फूड एक बार बर्ड्स नहीं खा लेते, तो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं वो। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ दो तीन दिन रहने दीजिए, दो तीन दिन तक वो खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। एक फूड एक दिन के ज़्यादा आप अगर रखने जाए तो वो सड़ने लगेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाएंगे। वो अगर सड़ा हुआ अगर एक फूड वो खाए, बर्ड्स खा ले, तो उनके शरीर में बहुत दिक्कत होगी, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप उन्हें एक फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जिस दिन आप एक फूड दे रहे हो उसी दिन आप फूड को बाहर निकाल कर दें और कल अगले दिन आप नया फूड प्रोवाइड करें। पुराना फूड आप उन्हें जितना कम प्रोवाइड कर पाए, खासकर एक फूड, उतना अच्छा। एक फूड आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मैं 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि कुछ भी हो जाए ज़्यादा उन्हें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप उन्हें दे रहे हो सुबह सुबह या फिर दोपहर को, जिस बर्ड का जितना रिक्वायरमेंट है वो जब उसे भूख लगेगा वो एक दो घंटे में ही खा लेंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं 12 घंटे करीब रखता हूँ, सुबह दे देता हूँ, शाम को उस एक फूड को निकालता हूँ, वो एनफ होता है। आप एक दिन दिया, उसके अगले दिन अगर आप निकालने जाए तो वो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है, मुझे नहीं लगता उतना रिक्वायर्ड होता है। तो मैं 12 घंटे रखता हूँ, आप उससे कम भी रख सकते हो, लेकिन एक दो दिन जो बहुत लोग रखते हैं वो बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आपके बर्ड्स को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए बैक्टीरियाज के बारे में, बैक्टीरिया क्यों पनपते हैं और उनसे क्या दिक्कत होती है बर्ड्स को और उन्हें रोका कैसे जाए। तो वो सारे चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में बातचीत की। आप जो मैंने कहा वो अगर आपसे आपने ठीक तरह से फॉलो किया तो आपके बर्ड्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हैप्पी रहेंगे और उनका हेल्थ बहुत इंप्रूव होने रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो जिनके पास बर्ड्स है या बर्ड्स पालना चाहते हो, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हैप्पी बजीज यूट्यूब चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, जो कि मैं हर हफ्ते 2 से 3 बार करता हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों आप मेरे हमारे जो और भी वीडियोस है उनको देखिए, उनसे आपको जो नॉलेज है उन्हें गैदर कीजिए, उन्हें बढ़ाइए, रिफ्रेश कीजिए और आपके बर्ड्स को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। हैप्पी रखिए, खुद भी हैप्पी रहिए और हमारे हैप्पी बजीज यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।